लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए अलर्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हमारे साथ मौजूद है AIMIM के दिल्ली यूथ प्रेसिडेंट नसीम सिद्दीकी जी। आइए हम नसीम सिद्दीकी जी से कुछ बात करते हैं। नसीम सिद्दीकी जी, आपने AIMIM पार्टी क्यों चॉइस की? दूसरी पार्टी भी थी दिल्ली में, जैसे आप पार्टी है और भी बहुत सारी पार्टी है जो दिल्ली पे है, तो आप AIMIM ही क्यों चूज की? दिल्ली से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चूज़ करने का मतलब यही है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद अगर मुसलमानों के साथ हकतलफी अगर तमाम सेकुलर पार्टियों ने करी है, चाहे आप कांग्रेस को, तमाम, चाहे अभी आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल का भी रवैया मुसलमानों के साथ कोई बेहतर नहीं है, तो मुझे लगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अलहास बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो मुसलमानों की क़यादत कर रहे हैं और मजलूम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और हैदराबाद इसकी एक मिसाल है, तो उसको देखते हुए मुझे लगा कि अगर मुसलमानों की कोई आवाज़ है तो एक ही जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरी एक चॉइस भी है और एक मेरा जुनून भी है जी। अभी जैसे अबू असीम आजमी जी ने असदुद्दीन ओवैसी जी पर बयानबाजी की है, तो आप उस पर क्या कहना चाहोगे? उस पर आपको मालूम है कि वो एक जाहिलियत भरा बयान था और किसी भी असेंबली मेंबर को, एक MLA को ऐसी बातें शोभा नहीं देती जिस तरीके के अल्फाज उन्होंने निकाले मेरे कायद अलाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में। नुमाइंदगी वो भी कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर और यही अल्फाज उनके लिए भी लागू हो सकता है, लेकिन हम लोग ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन उनकी जाहिलियत ये बताती है कि उनके अंदर सलीका नहीं है नुमाइंदगी करने का। अभी एक और क्वेश्चन हम आपसे करना चाहेंगे कि जैसे अभी हिंदू महासभा ने, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था हिंदू महासभा की प्रवक्ता जो हमारे नेशनल फादर गांधी जी के ऊपर पुतले पर गोली चलाई थी, तो आप उस पर क्या कहना? देखिए, वो मैंने कहा आपको कि वो लोग गोडसे को पूजने वाले हैं, संविधान को जलाने वाले हैं और ऐसे लोगों की मानसिकता यही है कि हिंदुस्तान के अंदर वो लोग अमन और शांति नहीं चाहते, वो इस तरीके की बातें करके हिंदुस्तान को ये बताना चाहते हैं कि उनकी मानसिकता ये दर्शा रही है कि वो संविधान को नहीं मानते, वो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमानों को बांटना चाहते हैं। और मैंने इस पर बात भी रखी थी अपनी कि उन लोगों को एक जवाब दिया था कि अगर यही काम कोई मुस्लिम करता तो आज ये तमाम लोग एक इशू बनाकर खड़े कर देते, लेकिन आज कोई हिंदू महासभा का, ये सिर्फ इन्होंने गांधी जी के ऊपर गोली नहीं चलाई, इन्होंने हिंदुस्तान के एक ऐसे राष्ट्रपिता के ऊपर गोली चलाई जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी उनकी कुर्बानियां हैं और हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता है। और मैंने ये बात भी कही थी कि इस तरीके के लोग हिंदुस्तान के अंदर अमन नहीं चाहते, वो सिर्फ हिंदुस्तान के अमन को बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोगों को ये सोचना होगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान, के ऐसे लोगों से दूर रहे ताकि वो हिंदुस्तान की खूबसूरती को ना बिगाड़ सके। जी नसीम सिद्दीकी, एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि मतलब अचानक मुंबई का दौरा क्यों करना? नहीं नहीं, मुंबई अचानक ऐसा कोई वो नहीं था, मैं, हमारे इमरान कुरैशी साहब हैं, मैं महाराष्ट्र आया था किसी काम से, तो दावत कबूल कर इन्होंने कहा कि मुंबई आइए घूमिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह घूमने आया और अच्छा लगा है। अय्यूब भाई के साथ, इमरान भाई साहब के साथ पूरे दिन मुंबई का दौरा हुआ कोई खास पार्टी के काम से। नसीम सिद्दीकी जी, आप असदुद्दीन ओवैसी जी और प्रकाश अंबेडकर जी की जो गठबंधन हुआ है तो महाराष्ट्र में कितना सक्सेस हो सकता है वो आपको क्या लगता है? ये तो तमाम जमातों को दिख गया है कि ये गठबंधन आने वाले इंतखाबात में, आने वाले इलेक्शन में महाराष्ट्र के अंदर एक इनकलाब लेकर आ रहा है और ये तमाम हिंदुस्तान की आवाम देख रही है जिस तरीके से गठबंधन हुआ, एक स्टेज पर दो शेर जब खड़े हो रहे हैं तो हिंदुस्तान की आवाम और जो भी दलित पिछड़ा मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आकर महाराष्ट्र की सरजमी को ये बता रहा है कि हमारे अंदर अगर इत्तेहाद आ गया तो सरकार बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले इंतखाबात में प्रकाश अंबेडकर साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अल्लाह ने चाहा तो आने वाले इंतखाबात में सरकार भी हमारी होगी और इन लोगों को ये जवाब देंगे जो हमें वोट बैंक समझकर हमेशा यूज़ करते आए, चाहे वो दलित हो चाहे वो मुसलमान हो। ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है और प्रकाश अंबेडकर साहब जिस तरीके से दलित भाइयों के लिए एक उम्मीद की किरण है, ऐसे ही मुसलमानों के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उम्मीद की किरण है, तो दो उम्मीदों की किरण एक साथ एक स्टेज पर आ गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र में एक इनकलाब आने वाला है। शुक्रिया हमारे साथ।